हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं श्री सहेल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी में जो भी कल मैंने अब इसके पहले वीडियो में आज के लिए एनालिसिस में जो भी लेवल्स दिए थे, दोनों भी तरफ बैंक निफ्टी उन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर सका और इसीलिए बैंक निफ्टी बहुत देर तक न्यूट्रल मतलब साइडवेज रहा। ठीक है, कल इसके पहले वीडियो में जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे वो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट दिया था मैंने, सपोर्ट था 41,950 बोला था मैंने, और रेजिस्टेंस जो निकाला था वो था 42,300 के ऊपर। बैंक निफ्टी ओपन हुआ और बाद में वहाँ पे हमें एक सेलिंग कैंडल, बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल बनती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो मैंने स्ट्रेटेजी सिखा दी है, ठीक है, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें अगर यहाँ पे बेरिज भी दिखा रहा होता तो हमें पुट साइड में एंट्री नहीं करनी थी, क्योंकि हम सपोर्ट लेवल पे सिर्फ कॉल के बारे में सोचते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पे पुट के बारे में। तो बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ है वो बीच में ओपन हुआ है, तो हमारे लिए एक कन्फ्यूजन सिचुएशन थी। ठीक है, और आखिर तक यही सिचुएशन कायम रही है, इसलिए आज बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बिल्कुल सेफ नहीं था। ठीक है, वो कैसे ये भी हम देखेंगे कि ऐसे ट्रेड्स जहाँ पर हम फंस सकते हैं उन ट्रेड में हमें किस तरह से नहीं फंसना है, ये आज की वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न का ऑनलाइन फ्री कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ पर जाकर आप सब चैप्टर्स देखिए, उन्हें भी प्रॉपरली इस तरीके के चार्ट पे आजमाइए तो आप भी अच्छी तरह के से एक एनालिसिस कर सकते हैं और मेरी तरह परफेक्ट एनालिसिस करके मार्केट में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है वो भी बिल्कुल फ्री, तो उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाके आप हर एक चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले तो मैं एक्सप्लेन करूँगा और एक्सप्लेन करने के बाद हम कल के बारे में सोचेंगे कि हमें कल क्या करना है। ठीक है, तो हम जिस प्रकार मैंने आपको कहा था कि पहली जो कैंडल होती है, ये 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट है, पहली जो कैंडल है वो हमारे लिए उसका हाई और लो निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इस प्रकार मैंने हाई और लो निकाल लिया, तो पहली कैंडल यहाँ तक आई जिसने, यहाँ पे मैंने लो निकाला है, ठीक है, वहाँ तक आई और बाद में वहाँ पे बाइंग प्रेशर हमें दिखाई दिया। उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी है उसने इस कैंडल को ब्रेक किया था और बाद में इसमें बाइंग प्रेशर दिखाई दिया। अब मेरी स्ट्रैटेजी के अनुसार जब भी हम हमारा लो या फिर हाई ब्रेक करते हैं हमें तुरंत एंट्री करनी होती है। ठीक है, अगर सिर्फ इस नॉलेज पे आपने इसमें एंट्री कर ली होती तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूर हिट होता, एक नहीं कई बार हिट होता। आज पूरे कैंडल्स में स्टॉप लॉस ही हिट हुए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, ये तो इसलिए कि ये सपोर्ट लेवल है और सपोर्ट लेवल यहाँ से बहुत नज़दीक है। ठीक है, और जो भी अब यहाँ पे मैं आपको एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में जो बता रहा था, ठीक है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में, ठीक है, तो वो जो डिमांड और सप्लाई जोन बता रहा था मैं, ये यहाँ पे डिमांड जोन तैयार हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ये पहले ही पता चल गया था कि मुझे एंट्री इस डिमांड जोन के नीचे और 52 मूविंग एवरेज के नीचे अगर कैंडल क्लोज देती है, सस्टेन करती है, और तो ही मुझे पुट साइड के ये एंट्री लेनी थी, चाहे सपोर्ट भी ब्रेक करता तो भी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल डिमांड जोन।
लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी पता था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद हमें बैंक की रैली मिल सकती है, ठीक है। और ऐसा ही हुआ, दोपहर 1 बजे से जो बाइंग रैली शुरू हुई वहाँ पे हमें हमारे पॉइंट्स भी मिल गए। तो ये डिमांड और सप्लाई जोन आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, और ये मैं आपको 101% सिखाऊंगा सिर्फ हमारे 200 सब्सक्राइबर होने के बाद। मैं ये आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। जैसे ही आप ये सीखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना कितना मतलब फॉल्स जो ब्रेकआउट होते हैं। आप देखिए, अगर सिर्फ मेरे इस नॉलेज पे ओपनिंग रेंज का लो ब्रेक कर दिया, अगर आप यहाँ पे पुट खरीद लेते तो आपका भारी नुकसान होता, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते। और स्टॉप लॉस भी लगाते तो बार बार यहाँ पे कई कैंडल्स ऐसी बनी हैं जिन्होंने हमारे लो को ब्रेक किया है, तो बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता और बार बार आपको लॉस हो जाता और आपका मार्केट के बारे में सोचने का नज़रिया निगेटिव हो जाता दोस्तों। तो इस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट्स से बचने के लिए हमें डिमांड और सप्लाई जोन पता होने चाहिए, और डिमांड और सप्लाई जोन अगर हमें पता होते हैं तो हम हमारे रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा एश्योर हो जाते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट बाय करना है फिर कॉल बाय करना है। तो मैंने वेट किया, बहुत देर तक वेट किया, ठीक है। बाद में यहाँ पे हमें बाइंग की जो कैंडल्स दिखाई दी उसमें एंट्री भी की और वहाँ पे मैं 25 पॉइंट्स लेकर निकल भी गया। अगर इस तरह की एक्यूरेसी आपको चाहिए दोस्तों तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और बिल्कुल भी हर एक वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखते जाइए ताकि वीडियो के आखिर तक आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता रहेगा। तो जो भी हमने प्रैक्टिस सेशन भी लिया है उसमें भी मैंने आपको बोला था कि इस कैंडल के नीचे अगर 52 मूविंग एवरेज आता है तो हमें पुट के लिए नहीं सोचना है। जब तक कोई कैंडल इस तरीके से, ठीक है, जब तक कोई भी कैंडल इस तरीके से 52 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज नहीं देती है तब तक हमें पुट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन अगर कल सुबह ओपनिंग में होती तो मैं क्या करता, आप बताइए। तो मैं क्या करता कि चाहे 52 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है तो मैं अपना जो ओपनिंग रेंज का लो है उसे भी ब्रेक होने देता, और साथ ही साथ मैं इस हमारे डिमांड जोन को भी ब्रेक होने देता और उसके बाद एंट्री ले लेता, क्योंकि हमें 25 पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। तो सिर्फ 25 पॉइंट्स के लिए इतनी बड़ी रिस्क मैं नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर ऊपर के ऊपर एंट्री ले ली तो मार्केट रिवर्स होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो ये बात ध्यान में रखिए कि हमारा जो ओपनिंग कैंडल होता है उसके नीचे अगर 52 मूविंग एवरेज है और सभी कैंडल्स उसके ऊपर है तो हमें सिर्फ कॉल के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन होता है कि हमारा ओपनिंग कैंडल यहाँ पे है और उसके ऊपर 52 मूविंग एवरेज है तो हमें पुट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, नीचे की तरफ। तो ये पहला ध्यान में रखिए, मार्केट ओपनिंग के बाद पहली चीज़ हमें देखनी है कि ओपनिंग कैंडल क्या बनी है और 52 मूविंग एवरेज क्या है, इस तरीके से। और अगर सपोर्ट पे है तो बहुत ही अच्छा, हमें इस तरीके से अच्छा अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो ये आज इस तरीके से हमें मार्केट में दिखाई दिया वोलेटिलिटी, और बिल्कुल सही मार्केट चला है आज। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बिल्कुल सही मार्केट चला है, मार्केट की कुछ भी गलती नहीं है। अगर आपको मार्केट के इस कैंडल्स को, मूविंग एवरेजेस को, डिमांड सप्लाई को, सभी को पढ़ना आता ना तो आप इसमें बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेते आज। तो दोस्तों चलिए अब कल क्या हो सकता है ये देखते हैं। तो पहले जो भी लेवल्स मैंने दिए हैं वही लेवल्स बरकरार है, 42,300 के ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल्स रहेंगे। उसके ऊपर जाने के बाद बहुत बड़ी बाइंग की रैली आपको देखने को मिल सकती है, और अगर 41,950 को ब्रेक करके नीचे चला जाता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, तो बहुत ज़्यादा नीचे की रैली देखने को मिल सकती है। और मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज सेलिंग के साइड को लगती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमें प्रॉपर सेलिंग होनी चाहिए थी वहाँ पे इम्प्रॉपर बाइंग हुई है, और यहाँ पे अब यहाँ पे क्लबिंग भी हो चुकी है और क्लबिंग के ऊपर की जो कैंडल है वो बिल्कुल रेड है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग, क्योंकि मैं कहता हूँ कि प्रॉपर सेलिंग की जगह पे अगर इम्प्रॉपर बाइंग होती है
तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो MACD के हिसाब से तो सेलिंग देखने के चांसेस हमें ज़्यादा है यहाँ पे। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहले तो उसने 60 को ब्रेक किया, बाद में कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, लेकिन ऊपर वो नहीं सस्टेन रह पाया, ऊपर से फिर एक बार वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर रहना नहीं चाहता, इस तरह का साइन है। अगर ये RSI नीचे आता है और 40 को ब्रेक कर देता है तो हमें बहुत ज़्यादा नीचे की रैली दिखाई दे। और वैसे भी कैंडल्स ने 52 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस यही रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कल ओपनिंग इस डिमांड जोन के नीचे भी डायरेक्टली ओपन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड जोन बना है, वो जो भी पुट राइटर्स बैठे हैं वो शायद कल बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वेयर अप कर दे। ठीक है, तो शायद यहाँ पे भी नीचे गैप डाउन से ओपनिंग होने के चांसेस भी यहाँ पे नज़र आते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, ना गैप डाउन होता है ना गैप अप होता है, मार्केट यहाँ पे ही ओपन होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी रेंज मैंने दी है, ऊपर वाली और नीचे वाली, 42,300 और 41,950, इसके बीच में ओपन होता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस कल फिर एक बार साइडवेज रहने के हो सकते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी देखिए, पढ़िए और उसी की तरह ट्रेड लीजिए दोस्तों। बिल्कुल सावधानीपूर्वक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, जल्द ही इस तरह का अच्छा वीडियो लेके आपके लिए हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।